मैं तुमसे नहीं कह रहा कि हीनता जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं। मैं तुमसे नहीं कहूँगा कि तुम किसी से कम नहीं, सबसे आगे तुम ही हो, सबसे बढ़िया तुम ही हो, सर्वश्रेष्ठ हो, परिपूर्ण हो। ऐसा कह दूँ तो ये तो मन को बहलाने वाली बात हुई ना। तो हीनता तथ्य हो सकती है। दो खिलाड़ी हैं, एक बेहतर खेल रहा है, दूसरा उतना बेहतर नहीं खेल रहा, तो दूसरा क्या हुआ, हीन हुआ ना। दो छात्र हैं, एक मेहनत कर रहा है, अंक अर्जित कर रहा है, दूसरे अंक नहीं ला पा रहा, तो दूसरा हीन हुआ ना। प्रकृति को देखो, दुनिया संसार को देखो, तो यहाँ तो सब चीज़ों की परस्पर तुलना हो ही सकती है, और जब भी तुलना होगी तो कुछ श्रेष्ठ निकलेगा और कुछ कुछ बड़ा निकलेगा। कुछ तो अच्छा बुरा, बड़ा छोटा, ये होता तो है। हम नहीं कह रहे कि तुम छोटे हो ही नहीं, हम नहीं कह रहे कि तुम में कोई बुराई है ही नहीं। तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारा कुछ वज़न है, कितना वज़न है, 58। आपका कितना वज़न है, ये 88। तो वज़न के पैमाने पर तुम हीन हो गए कि नहीं हो गए, बोलो। अभी तराजू के दो पलड़ों में आप दो लोगों को बैठा दिया जाए तो पलड़ा ही पोल खोल देगा, एक तरफ को झुक जाएगा। तो अपने आप को प्रेरित करने का, मोटिवेट करने का ये तरीका मत चला देना कि हम में तो साहब कोई कमी कोई कमजोरी है ही नहीं। तथ्यों की दुनिया में कमियां होती हैं, कमजोरियां होती हैं। तुलनात्मक रूप से कोई हीन होता है और कोई श्रेष्ठ होता है, छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई पतला होता है, कोई चौड़ा होता है। लेकिन तथ्यों की दुनिया सब कहाँ है, बाहर, बाहर सतह पर। केंद्र पर कभी हीनता को मत आने देना। बाहर बाहर हीनता हो सकता है कई बार कि रहे, दिखाई भी दे, और दिखाई दे तो मानना कि है, लेकिन दिल में कभी, हृदय में कभी हीनता को मत आने देना। वहां कोई हीनता नहीं होती, हीनता सत्य नहीं हो सकती। और ये दोनों बातें एक साथ याद रखनी होती हैं। हीन भावना लगती हो तो स्वीकार करना कि हाँ साहब हमें कमियां हैं, और फिर कहना होंगी कमियां, हम भी कुछ हैं, कमियां अपनी जगह, हम हमारी जगह, और हम वो हैं जो सब कमियों से बहुत आगे के हैं। हम कमियों की हस्ती को स्वीकार करते हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, कमियां तो हैं, लेकिन हमें यह भी पता है कि हमारे पास कुछ ऐसा है जिसमें कोई कमी हो ही नहीं सकती। फिर तुम बीमार होते हुए भी बीमार रहोगे नहीं। दिल में स्वास्थ्य रहे, पूर्णता रहे, और उसके सहारे बाहर के सब दोषों को, कमियों को और बीमारियों को जीत लोगे तुम।